अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको रूटीन बताऊंगी कि आज मैं इनको खाने में क्या दे रही, रोज़ खाने में क्या देती हूँ। रोज़ किस तरह रूटीन होती है कि एक ही खाना नहीं होता, बस एक जानवर को एक खाना दे दिया, बस बीमार को भी वही दे दिया और ठीक को भी वही दे दिया। अच्छा, ये है जो मैं इनके लिए मिक्सचर बनाती हूँ रेगुलर। इसके अंदर चिकन होता है, मटर होता है, लौकी होती है, खीरा होता है, गाजर होती है, और इसके अंदर लोबिया होता है, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, सॉरी, जौ का दलिया, ठीक है, वो डालती हूँ, और कभी कभी पंजे भी डाल देती हूँ, ठीक है, आलू भी डाल देती हूँ, ठीक है। और ये जो है, ये है मकई, सॉरी मकई कह रही हूँ, ये है चिकन, सॉरी मटन का कीमा। ये उन जानवरों के लिए है जिनके अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मकई ये होता है, ये कीमा, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ज़्यादा आयरन होता है, जो खून की कमी को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं देना, इससे ये होता है कि लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये पपीज इंतज़ार कर रहे हैं खाने को, और मैंने इनको खाना भी देना है, तो लेट्स सी। अभी मैंने तो कीमा को मैंने जो है वो लगानी है, इसकी प्लेट तैयार करनी है कीमे की, जो बीमार जानवरों के लिए। अच्छा, अब लगाने लगी हूँ मैं ट्रे। अच्छा, इनके लिए मैं यूज़ करती हूँ डिस्पोजेबल बर्तन, ठीक है। क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका ये होता है कि ये जो एक जगह जब रेस्क्यू जानवर रहते हैं, तो उनका मसला ये होता है कि वो एक दूसरे से अपने बीमारी शेयर करते हैं, तो उनके लिए मैं फिर यूज़ करती हूँ इस तरह के डिस्पोजेबल बर्तन, ठीक है। अब इनका जो है खाना डालेंगे। अच्छा, कीमे को अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, थोड़े थोड़े देंगे, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। ओके, ये हमारा तैयार हो गया, और ये भी ऑलमोस्ट जो डॉग का खाना है वो भी तैयार होने वाला है। तो अभी तो मैं पहले ये दे दूँ, देखते हैं। ये हमारा बिल्ला बोल रहा है, खाने के इंतज़ार में किचन के बाहर खड़े हुए हैं। आ जाओ, जो 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हुई 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 हुई, और कहाँ पर हैं, वही खाने की चीज। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर वाली जगह पे खाएंगे, क्योंकि ना ये जो गंदे गंदे कुत्ते हैं ना, ये आप लोगों को तंग करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अकेले बैठ के खाएंगे ना। अच्छा, अभी हम कैट्स के साथ जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि नीचे डॉग्स हैं, और वैसे भी ऊपर मेरे दूसरे पेशेंट्स कैट्स हैं, उनको भी देना है। इन दोनों को इसलिए कैद किया हुआ है क्योंकि इसकी जो परी है, इसकी टांग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से टिकती नहीं है, और इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। वेट 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 वेट, पारी आ गयो, अभी आ गई, शुक्र आज ही बिल्लियाँ नहीं आई, वरना उन्होंने और तमाशा खड़ा करना था। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट रुक तो जाओ, हर तरफ से शोर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, गर्म है, गर्म गर्म गर्म, थोड़ा थोड़ा को हैं, पहले बीमार जानवरों को देंगे ना। यार कितनी बदतमीज़ हो यार, पहले ये वाला गर्म है, मेरे ख्याल में अभी नहीं देना चाहिए, वेट कर लेती हूँ। अच्छा, हुआ ये था कि इन्होंने मेरी ट्रे को जो है ना झपटना शुरू कर दिया था, इसी वजह से मैंने जो है इनके जो खाने वो मैंने पिंजरे के अंदर रख दिया ठंडा होने के लिए, और इनका पिंजरा भी थोड़ी ठंडी जगह पे रखा है, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो बेल आइकन को क्लिक करें, और शेयर करें, और कंट्रीब्यूट भी करें प्लीज़, ताकि इन बेजुबानों की इसी तरह हेल्प हो सके। पप्पी अभी आ जाओ, ये लो यार, एक और ले लो, एक और ले लो, ये इस तरह करते हैं, झपट्टे मारते हैं, तंग करते हैं। अब यहाँ पे इधर भी चोरियाँ शुरू हो गई, अकेले बंदे का काम नहीं है इनको संभालना। ये लो, अच्छा कुट्टू आप खा लो, ये देखें, किसी से बगैर पूछे उसकी चीज़ों में घुसना कितनी गलत बात है। पप्पी जाओ, इधर आओ, शुक्र है अभी दूसरे जाना नहीं थे इन्होंने, तो फिर रहने नहीं देते। जाओ, और कितने बर्तन लगे अंदर, ये आपको नहीं दूंगी यार, कितना गलत है, ये बीमारों के लिए था, सिर्फ बीमारों को मिला नहीं, मुझे को कहीं साइड पे खड़ा भाई, जिस टाइम पर जो गए। पप्पी 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 नाराज़ हो गई, पप्पी पप्पी ये लो, मैं मजाक कर ली थी,
यार कितनी बुरी बिल्लियाँ ये, अपना अपना सोचती हैं सिर्फ। ये लो अपने लिए, ये लो ये लो ये लो। अच्छा नहीं खाना, कीमा ही नहीं खाना। पप्पी की लगता है तबीयत ठीक नहीं, जो उसे कीमे से इनकार कर दिया। पप्पी साहब बॉक्स में नहीं खा रहे थे लेकिन अलग से खा रहे हैं। बहुत चोरियां कर ली आप लोगों ने सर जी। अच्छा ये खाना पक चुका है, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि बाद में इनको ठंडा होकर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। इसे ग्राइंड भी करना है और कीमे की काफ़ी हद तक चोरी भी हो चुकी है। कौन करेगा बिल्ली और कौन, वो देखिए वहाँ चोरी हो चुकी। ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है खाना, किस तरह देते हैं, क्या किस चीज़ में देते हैं, सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।